बात करेंगे। नाइन्थ स्टैंडर्ड में एक चैप्टर है केमिस्ट्री में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और उसका एक छोटा सा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, हालांकि मोल कॉन्सेप्ट आपका इलेवेंथ में पूरा डिटेल में है, नाइन्थ स्टैंडर्ड में जो मोल कॉन्सेप्ट है बहुत सिंपल सा है और इसमें भी बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है मोल कॉन्सेप्ट में नाइन्थ स्टैंडर्ड में, तो उसी के रिगार्डिंग में आज के सेशन में उस लेवल नाइन्थ लेवल के किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको सिंपल तरीके से किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और इसके लास्ट में आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा कि मान लीजिए आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो उस ट्रिक के हेल्प से आप कैसे मोल कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मोल कॉन्सेप्ट की। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है, देखिए आप लोग ने एटम्स एंड मॉलिक्यूल जानते हो कि एटम क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, तो वो क्या होता है, एटम होता है। मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक है, एक से ज्यादा एटम जब कंबाइन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन हो गया, H2 हो गया, O2 हो गया, वाटर हो गया, H2O हो गया, HCl हो गया, ये सब क्या हो गए, मॉलिक्यूल हो गए। और हाइड्रोजन एटम सिंगल एटम है, सिंगल ऑक्सीजन है, सिंगल क्लोरीन एटम है, तो दीज आर आर एग्जाम्पल ऑफ एटम्स। ठीक है, अब देखिए मोल कॉन्सेप्ट आया कहां से, सबसे पहले जो मोल कॉन्सेप्ट टर्म लिया गया है लिया था बाय विलहेल्म। ठीक है, बाय विलहेल्म ऑस्टवाल्ड इन 1896 में। ठीक है, तो विलहेल्म ऑस्टवाल्ड द्वारा 1896 में मोल टर्म का नाम, मोल टर्म आपको दिया गया था, और इसको एक्सेप्ट कब किया गया था, एक्सेप्टेड इन 1897 में। इस मोल टर्म को फंडामेंटल यूनिट में जो 7 यूनिट होती है उसमें क्या कर लिया गया था, एक्सेप्ट कर लिया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर मोल टर्म आया क्यों, ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, क्या फॉर्मूला, उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि मोल टर्म आया क्यों। अब आपको अच्छे से पता है कि अगर मान लीजिए सपोज एक ग्लास आपके पास वाटर है, वन ग्लास वाटर है, तो उसमें वाटर के कितने मॉलिक्यूल होंगे, तो वाटर के मॉलिक्यूल इस तरह से हम काउंट नहीं कर सकते, उसमें लाखों करोड़ों अरबों मॉलिक्यूल होंगे H2O के। ठीक है, तो साइंटिस्ट लोग ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा हम यूनिट बनाए जिसका एक फंडामेंटल टर्म हो कि अगर उतना हम बोल दें तो उसमें उतने मॉलिक्यूल उतने पार्टिकल्स होंगे, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर मोल टर्म आया। तो मोल आपसे पूछे कोई मोल होता क्या है, सिंपल सा डेफिनेशन बोल दो, इट इज अ यूनिट ऑफ काउंटिंग पार्टिकल्स। ठीक है, इसको निश्चय की मोल का डेफिनेशन क्या होता है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन की। ठीक है, तो मोल क्या होता है, मोल इज अ यूनिट ऑफ काउंटिंग पार्टिकल्स। अब यहाँ पे पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं और आयन्स हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दिया, एटम दिया या मॉलिक्यूल दिया या फिर आयन दिया है। तो ये तो हो गया डेफिनेशन का पार्ट। आपसे कोई भी पूछे मोल होता क्या है, आप सिंपल सा क्या आंसर दोगे, इट इज यूनिट ऑफ काउंटिंग पार्टिकल्स। ठीक है, आई थिंक आपको डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। फॉर एग्जाम्पल आप लोग ने सुना होगा कोई आपसे बोले कि 1 dozen pen, 1 dozen bananas, 1 dozen paper, 1 dozen book, कुछ भी बोले तो आपके माइंड में 1 dozen आया। 1 dozen का मतलब कितने औजन, आपसे कोई सिंपल सा गजन यूज होते हैं तो 1 dozen, 1 dozen का मतलब होता है 12 object। ऑब्जेक्ट या नंबर कुछ भी बोल सकते हो। देखो 1 dozen में आपका ये जो ऑब्जेक्ट का नेम है वो वेरी कर सकता है, 1 dozen pen हो सकता है, 1 dozen banana हो सकता है, ठीक है, 1 dozen apple हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट ये जो नंबर है वो कांस्टेंट रहेगा ऑलवेज। ठीक है, सिमिलरली नाइन्थ में एक और टर्म दिया है 1 grams। ठीक है, 1 grams का मतलब क्या होता है, 144 object। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा या कोई भी नंबर होगा, 1 grams बोले इसका मतलब 144 जो ये मैग्नीट्यूड वैल्यू है वो क्या है, कांस्टेंट है। सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है, आपसे कोई बोले कि भाई वन मोल पार्टिकल्स, ठीक है, क्या बोले, 1 mole particles, तो 1 mole का यहाँ पर आप नाम सुनते हैं मतलब क्या है, कितने पार्टिकल होंगे, 6.022
ठीक है, इंटू 10^23 पार्टिकल्स हो जाएंगे। ठीक है, जैसे 1 डजन में 12 ऑब्जेक्ट, 1 डजन में कितने, 12 ऑब्जेक्ट, 1 क्रॉस में कितने ऑब्जेक्ट, 144। इसी तरह से एक और होता है, आपके 9th बुक में नहीं दिया है फिर भी अब लिख लो, 1 स्कोर। 1 स्कोर का मतलब होता है 20 20 ऑब्जेक्ट। ये आपके 9th की बुक में नहीं दिया है, 11th में दिया है, थोड़ा बहुत जानते रहो। 1 स्कोर मतलब 20 ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, ये दोनों जो होते हैं बहुत ज्यादा यूज में नहीं आते, बट आपने ये तो हमेशा सुना होगा 1 डजन में कितने ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, और यही जो होता है एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर जो होता है वो कितने के बराबर होता है, 6.022 × 10^23 पार्टिकल्स के। और एवोगैड्रो नंबर को 9th की बुक में जो डिनोट किया हुआ है वो एन नॉट से किया है। ठीक है, ये तो हो गया कुछ बेसिक नॉलेज कि 1 मोल होता क्या है और 1 मोल या फिर 1 एवोगैड्रो नंबर होते क्या है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यहाँ से थोड़ा सा एक चीज और हमें जानना है। ठीक है, जैसे आपको बोले कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब कितने एटम है हाइड्रोजन के, 6.022 × 10^23 हाइड्रोजन एटम, और यही जो होता है उस एटम के एटॉमिक मास के बराबर होता है। तो हाइड्रोजन के एटॉमिक मास कितना होता है, 1 ग्राम होता है। ठीक है, देखिए मैंने क्या बोला कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम मतलब 1 मोल का मतलब क्या है, इतने हो गए। ठीक है, 6.022 × 10^23 और हाइड्रोजन हम इसके एटम के बराबर होगा, और वही जो एटम लोगे उसी के एटॉमिक मास के बराबर होगा। अगर मैं बेसिक इसका रखी, इसका मतलब ये मैं बोल रहा हूँ कि 1 मोल ऑफ एटम इक्वल टू क्या होगा, 6.022 × 10^23 एटम्स, और वही जो होगा उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर एटम चेंज करोगे तो ये मास भी चेंज होता जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, ठीक है, 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, सपोज मैंने सब कुछ सेम लिया, यहाँ पर मैंने सोडियम एटम ले लिया और भाई ये बाकी सेम लिया, तो 1 मोल ऑफ सोडियम एटम का मतलब कितना एटम, 6.022 × 10^23, और यहाँ पे क्या ले दो, बस नेम चेंज हो जाएगा क्या, सोडियम एटम इक्वल टू। अब सोडियम एटम का एटॉमिक मास मतलब ग्राम एटॉमिक मास, जो भी एटम होगा उसी का ग्राम एटॉमिक मास, यहाँ पर हमने एटम क्या लिया, सोडियम एटम, और सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है कितना, 23 ग्राम होता है। बात समझ में आई, ये तो हो गया एटम के लिए कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो आपके बुक में एक टेबल बना के इस तरह से आपको 9th की बुक में देखोगे इस तरह से, यहाँ से मोल का यहाँ पर रिलेशन एक दिया हुआ है इस तरह से बॉक्स, तो उसका मतलब वही है। ठीक है, ऐसा बुक बना के दिया है, कोई मीनिंग नहीं है, आप इस तरह समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर फाला क्या दिया है, 1 मोल कार्बन एटम, तो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का मतलब क्या, 6.022 × 10^23 कार्बन एटम, और यहाँ पे कार्बन के एटॉमिक मास कितना, 12 ग्राम हो गया। तो मैंने वही तो लिखा है, 1 एटम हाइड्रोजन एटम या फिर 1 सोडियम या फिर 1 कार्बन एटम ले लोगे तो इतने कार्बन एटम के बराबर, और कार्बन के एटॉमिक मास कितना होता है, 12 ग्राम होता है। क्या समझ में। इसी तरह से अगर हम कोई मॉलिक्यूल ले लें, ठीक है, सपोज 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल ले लिए, ठीक है, 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल, तो 1 मोल बोला मतलब कितने वाटर मॉलिक्यूल होंगे, 6.022 × 10^23 H2O मॉलिक्यूल हो जाएंगे, और यही क्या होगा वहां पर ग्राम मॉलिक्यूलर, जब एटम होगा तो ग्राम एटॉमिक मास के बराबर है, और जब मॉलिक्यूल लेंगे तो क्या होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर, और वाटर का मॉलिक्यूलर मास सबको पता है कितना होता है, 18 ग्राम होता है। बात समझ में आ रही है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या मैंने लिख दू, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6.022 × 10^23 मॉलिक्यूल, ठीक है, शॉर्ट में, एंड वही उसका क्या होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। ठीक है, ये मैंने लिखा, कोई भी मॉलिक्यूल हो गया वो तो जो कांस्टेंट है नंबर मोल का वो तो कांस्टेंट रहेगा, बट वैल्यू वेरी क्या करेगा, वहां पर जो मॉलिक्यूल क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ग्राम एटॉमिक मास ले लोगे। ठीक है, तो ये तो हो गया कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट।
तो मोल कॉन्सेप्ट में दो फॉर्मूले, हमें बहुत ज्यादा फॉर्मूले को यहाँ पर नहीं करना है, सिर्फ दो फॉर्मूले से कोई भी क्वेश्चन हो आपका मोल कॉन्सेप्ट का वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो फॉर्मूले में सबसे पहला जो फॉर्मूला मैं बताऊंगा, मोल इक्वल टू क्या हुआ, गिवेन मास डिवाइड बाय, यहाँ पर क्या लिखे हम, मोलर मास, ठीक है, गिवेन मास अपॉन मोलर मास। बुक में आपके स्मॉल एन से गिवेन मास डिनोट किया हुआ है और कैपिटल एन से क्या दिया है, मोलर मास किया है, और मोल को क्या किया है, स्मॉल एन से किया है। तो सबसे पहला फॉर्मूला हम ये यूज करेंगे, ठीक है, तो यूज होगा यहां पर आपका क्या है, रिलेशन क्या है, मोल टू मास रिलेशन वाला, मोल टू मास रिलेशन पे बेच रही है आपका फॉर्मूला। जब भी मास एंड मोल का कोई भी रिलेशन आए तो आपको हमेशा यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। दूसरा जो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, मोल इक्वल टू गिवेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाई क्या हम लिखेंगे यहां पर, एवोगैड्रोज नंबर जिसको डिनोट किया किसे, एन नॉट किया है। और आपको अच्छे से पता है एवोगैड्रो नंबर कितना, 6.022 × 10³, ठीक है, ये एवोगैड्रो नंबर होता है। तो ये दो फॉर्मूले से आपका 9th स्टैंडर्ड का कोई भी क्वेश्चन हो मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, वो पूरा का पूरा इन्हीं दो फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा। आपको और ज्यादा फॉर्मूले बनाने की जरूरत नहीं कि इसको मल्टीप्लाई कर गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल का फॉर्मूला बन जाएगा, तो ये सब आपको नहीं करना है। सिंपल सा आपको ये दो फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, ठीक है, और यहाँ पर इसको कैपिटल एन से डिनोट किया हुआ है बुक में आपकी, ठीक है। तो ये किसके बीच रिलेशन है, मोल टू गिवेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बीच रिलेशन है। ये दो रिलेशन से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक मैं बताऊंगा जिसमें सिर्फ यही फॉर्मूला यूज होकर आपको मोल निकालना होगा या गिवेन मास। एक न्यूमेरिकल इस टाइप का होगा कि इसमें क्या होगा, आपको गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल या मोल दिया होगा, ठीक है, उनमें से कोई एक चीज निकालना होगा, ठीक है। देखो तीन तरह के यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, टाइप वन, टाइप टू और एक आएगा आपका टाइप थ्री। तो तीन तरह के क्वेश्चन आपके 9th स्टैंडर्ड में इस फॉर्मूले में आ सकते हैं, ठीक है। क्या क्या, देखो सबसे पहला तो फर्स्ट टाइप ये हो गया कि आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला का यूज करना होगा और उससे आपको जो भी पूछे आप कैलकुलेट कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल आपको पूछे मोल दिया हो क्वेश्चन में और आपको गिवेन मास पूछ ले, तो गिवेन मास और मोल का रिलेशन क्या, यही एक फॉर्मूला है, तो आप ये फॉर्मूला लगा दो। दूसरा टाइप टू क्या हो जाएगा, आपको मोल दिया हो, ठीक है, और गिवेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ ले कि एटम कितने हैं या इतने मोल में कितने एटम्स हैं, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लो। अब जो टाइप थ्री बनता है आपसे करता है क्या है, आपको गिवेन ये रहता है, जैसे आपको बोल दे 44 ग्राम, ठीक है, 44 ग्राम CO2 में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, तो दिया आपको ये रहेगा और पूछ लेगा क्या ये चीज। तो इससे पहले आप क्या निकालोगे, मोल निकालोगे, उसके बाद मोल इसकी में, क्योंकि आपको यहाँ पे देखो ये चीज निकालना है, यहाँ पे दो तीन टर्म है, 1, 2, 3, ये तो कॉन्स्टेंट ही है, मतलब ये चीज निकालना हो या फिर ये चीज निकालना हो, ये निकालना होगा तो ये दिया होगा, ये निकालना होगा तो ये दिया होगा, बात समझ में आ रही है। तो यही खेल है इस कॉन्सेप्ट में न्यूमेरिकल में, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तीनों टाइप आपको बता देता हूँ किस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने, उसके बाद में शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा किस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग टाइप वन की बात कर लेते हैं। टाइप वन में मैंने यहाँ पे क्या लिखाना है, कैलकुलेट, मतलब कोई भी आपको एक फॉर्मूला यूज करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉलोइंग, ठीक है, आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं, 2 क्वेश्चन मैंने आपके टेक्स्ट बुक से ही लिया है, 1 क्वेश्चन मैंने इंस्टा में इसी तरह से ले लिया है। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ फॉलोइंग, तो क्वेश्चन को देखो मोल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये दिमाग में लाना चाहिए कि अपने को निकालना क्या है और गिवन क्या है, ठीक है। यही आप जब माइंड में लाओगे तभी आप सोच सकते हो कि हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है या फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। डायरेक्ट बिना कुछ किए आप डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं अप्लाई करोगे कभी भी, ठीक है। सबसे पहला जैसे यहाँ पर मैं फर्स्ट सॉल्व करूँ, तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स,
क्या निकालना है अपने को, मोल्स कैलकुलेट करना है। सबसे पहले यहाँ पर मोल्स देखा, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है भाई हमें मोल निकालना है। मोल निकालने के दो फॉर्मूले हैं, अब दोनों में से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना होगा वो क्वेश्चन में डिपेंड करेगा, रिली गिवन क्या है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, 88 ग्राम ऑफ CO2, ठीक है, क्या दिया है 88 ग्राम ऑफ CO2। तो मैंने क्या बोला है कि जब भी मोल एंड मास का रिलेशन हो, ठीक है, जब भी मोल एंड मास का रिलेशन होगा तो आप फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, मास वाला फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन में, एक चीज और ध्यान रखिए, जो भी क्वेश्चन में मास दिया होता है वो ऑलवेज क्या होता है, गिवन मास होता है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन में कभी आपको मोलर मास देगा ही नहीं, मोलर मास नहीं देगा, उस मॉलिक्यूल का नाम या फिर उस एटम का नेम दे देगा, तो आपको खुद निकालना होगा। तो आप लोग नाइन्थ क्लास में हो तो एटलीस्ट आपको हाइड्रोजन से लेके कैल्सियम तक हर एक एलिमेंट का एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, ये आपको याद ही होना चाहिए, ठीक है। एक बहुत प्रॉब्लम होगी आपको केमिस्ट्री में, टेंथ में जाओगे तो वहां पर भी प्रॉब्लम आएगी, तो 20 तक एटलीस्ट तो याद ही होना चाहिए, बाकी आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे तो और धीरे धीरे याद हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, हमें अपने को मोल निकालना है इस क्वेश्चन में, और गिवन क्या है यहाँ पर क्वेश्चन में, गिवन मास आपको दिया हुआ है, क्या दिया है, गिवन मास दिया है, कितना दिया है 88 ग्राम, और किसका है, CO2 मॉलिक्यूल दिया हुआ है, ठीक है, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको मोल निकालना है, गिवन मास दिया है, इसका मतलब फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब CO2 का जो मोलर मास होता है MM, देखिए यहाँ पर मोलर मास मतलब कॉमन होता है, अगर एटम होगा यहाँ पर तो एटॉमिक मास लिख देंगे, और अगर मॉलिक्यूल है CO2 मॉलिक्यूल तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, मॉलिक्यूलर मास, दोनों को कंबाइंड हम क्या लिखते हैं, मोलर मास, ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो CO2 का जो मोलर मास होता है सबको पता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, दो है, 32 हो जाएगा, तो टोटल सम करोगे मोलर मास कितना आएगा, 44 आएगा। तो बस मोल का जो फॉर्मूला है, मोल इक्वल टू, मोल का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास क्वेश्चन कितना है यहाँ से 88 ग्राम, और मोलर मास हमने निकाल दिया 44, टोटल कितना आ गया आंसर यहाँ से 2 मोल, ये फर्स्ट का आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, बस गिवन क्या है, क्या निकालना है, बस यही सोच रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू में देखिए, इसमें देखिए आपको मोल निकालना है, मास, मोल टू मास रिलेशन है, इसका मतलब फर्स्ट फॉर्मूला बिना कुछ सोचे लगाना है, इसमें भी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए मोल इक्वल टू क्या, गिवन मास, क्वेश्चन में जो दिया होगा वो ऑलवेज गिवन मास होगा, कितना हो गया यहाँ पर 52 डिवाइड बाई, अब यहाँ पर हीलियम एटम है, तो हीलियम एटम का एटम है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे मैं, एटॉमिक मास, हीलियम का एटॉमिक मास आपको सबको पता है कितना होता है, 4 होता है, यहाँ से डिवाइड किया से आंसर क्या आ जाएगा, 30 मोल आ जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। हम कुछ कर नहीं रहे, सीधा सा फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, आपको कुछ भी इधर उधर फॉर्मूला बनाना नहीं है कि यहाँ से फॉर्मूला बना दो, गिवन मास इक्वल टू क्या, मोल इनटू मोलर मास, ये सब फॉर्मूले बना, ज्यादा फॉर्मूले में ज्यादा कंफ्यूजन होगा, तो ज्यादा फॉर्मूले बनाओ ही नहीं, सिर्फ दो फॉर्मूले को दिमाग में रखो, और गिवेन, और जो चीज गिवेन होगा क्या चीज फाइंड आउट करना है, फॉर्मूले पुट अप कर दो, आपको बस यही सोचना है कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। अब देखिए थर्ड इसमें जो पार्ट है बोला है 12.044 इंटू 10^23 हीलियम एटम, तो आप जरा बताइए ये चीज क्या क्या दिया है, मास तो दिया नहीं है, ठीक है, तो अब कौन सा सेकेंड फॉर्मूला देखो, अब आपको ये एवोगैड्रो नंबर तो होगा नहीं क्योंकि वो तो कॉन्स्टेंट है, ठीक है, और ये पार्टिकल्स जैसा दिख रहा है इसका मतलब क्या दिया, ये गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया है, ठीक है, ये जो भी वैल्यू दिया है वो क्या है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, आपको क्या निकालना है, मोल निकालना है, मतलब पार्टिकल्स एंड मोल का रिलेशन में आपको सेकेंड फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ से हम थर्ड वाला कैसे निकालेंगे, सीधा सा हमें क्या निकालना है, मोल निकालना है, क्या दिया है क्वेश्चन में, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल दिया है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्वेश्चन में दे रखा है, कितना 12.044 इंटू 10^23, ये इतने हीलियम एटम के पार्टिकल्स दिए, ठीक है, अपने को क्या निकालना है, मोल निकालना है, इसका मतलब मास वाला फॉर्मूला तो बिल्कुल लगाओगे नहीं क्योंकि मास टू मोल रिलेशन है तो एक फर्स्ट लगाते हैं, तो यहाँ से आप निकाल लीजिए फटाफट, तो मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल इतना दिया है 12.044 इंटू 10^23, एवोगैड्रो नंबर तो कॉन्स्टेंट ही है, कितना है 6.022 इंटू 10^23, ये कैंसिल आउट होगा, ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स, आंसर कितना आ गया 2 मोल, बताइए इसमें क्या दिक्कत है,
कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको, बस यही सोचना है। कंफ्यूजन आपको मुझे पता है क्या होती है, आपको ये कंफ्यूजन होता है कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, या फिर आप इसी से चार फोर फॉर्मूले बना लेते हो फिर उसी में कंफ्यूज रहते हो, तो ये सब करना ही नहीं है ना अपने को। दो फॉर्मूले याद रखना है और आप गिवन लिख लो और क्या हमें फाइंड आउट करना है, उसके बाद दिमाग में आ जाएगा हमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है। मैंने यहाँ लिख भी दिया है मोल टू मास रिलेशन ऑफ फर्स्ट फॉर्मूला, मोल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल इसका मतलब सेकेंड फॉर्मूला। ये जब भी क्वेश्चन में मास दिया होगा तो ऑलवेज गिवन मास होगा, मोलर मास तो देगा नहीं क्वेश्चन में कभी। और एवोगैड्रो नंबर कांस्टेंट है, मतलब अगर इस तरह का पार्टिकल दिया इसका मतलब गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया है। ठीक है, आपको बस थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन और आप जो रेफरेंस बुक आपके पास होगा उस पे मोल कॉन्सेप्ट जैसे मैं बता रहा हूँ उसी तरह से सॉल्व कर लीजिए। मोल कॉन्सेप्ट का गारंटी दे रहा हूँ कोई क्वेश्चन आपसे छूटेगा ही नहीं। ठीक है, टाइप वन टाइप टू दोनों बात कर लिया। अब ये हो गए क्वेश्चन वन या टू मार्क्स के आते हैं। अब थ्री मार्क्स के मेजर क्वेश्चन जो आएंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना देगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है कि आपको ये चीज गिवन होगा गिवन मास और आपसे पूछ लेगा उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, मतलब आपसे तब क्या करेगा दोनों फॉर्मूले यूज कराएगा। तो कोई बात नहीं, हम लोग दो फॉर्मूले यूज करा रद्द कर लेंगे। ठीक है, बिना कुछ गलती के हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम लोग उसको क्वेश्चन के हिसाब से करते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे तो आपको ज्यादा बेटर से समझ में आएगा। हो सकते हैं, ठीक है, थ्री मार्क्स टाइप का क्वेश्चन हो सकता है और ये हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो टाइप थ्री वाला। ठीक है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले फर्स्ट एंड सेकंड टाइम में हम लोग क्या कर रहे हैं, सीधा सा आपको कोई एक ही फॉर्मूला यूज करा के आप सॉल्व कर ले रहे थे। ठीक है, अब इस देखो यहाँ पर क्वेश्चन है क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ फॉलोइंग, हमें क्या निकालना है, मास निकालना है। जब भी क्वेश्चन कैलकुलेट द मास, इसका मतलब कौन सा मास निकालना है, कभी भी आपको मोलर मास नहीं निकालना होता क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आपको जो भी कैलकुलेट द मास ऑफ फॉलोइंग मतलब आपको गिवन मास निकालना है। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ फॉलोइंग, इसका मतलब आपको गिवन मास निकालना है, ये दिमाग में आप सेट कर लीजिए। ठीक है, तो हमें ये क्या दिया है, 3.011 × 10^23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम लिखा है, ध्यान रखिए नाइट्रोजन एटम। ठीक है, एटम मतलब सिंगल नाइट्रोजन एटम ही लोगे। ठीक है, तो ये चीज क्या दिया है, जरा सोचो क्या दिया है, एवोगैड्रो नंबर तो होगा नहीं, तो ये चीज क्या दिया है हमें, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया है। बात समझ आ रही है, हमें क्या दिया है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है और फाइंड क्या करना है, गिवन मास ऑफ नाइट्रोजन एटम फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको बस इतना सा ही सोचना है कि हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में, फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में, उसके बाद आप थोड़ा सोचो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है और कैसे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने क्या लिख लिया, भाई हमें निकालना क्या है, गिवन मास ऑफ नाइट्रोजन एटम, कि एटम नाइट्रोजन है, ये हमें कैलकुलेट करना है, मास निकालना है, मतलब गिवन मास ऑफ नाइट्रोजन एटम निकालना है। और हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स के प्लेस पे आप क्या लिख लो, नाइट्रोजन एटम, कितना दिया है, 3.011 × 10^23 नाइट्रोजन एटम हमें दे रखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हमें फाइंड ये करना है, क्वेश्चन में गिवन क्या है ये चीज दिया है, अब इसको गिवन मास को फाइंड करने के लिए अपने को क्या चाहिए, दोनों चीजें चाहिए ना, मोलर मास तो ठीक है नाइट्रोजन एटम दिया है, नाइट्रोजन के एटॉमिक मास 14 होता है कोई दिक्कत नहीं, ये तो दिया है, बट सारा खेल किसका है, मोल का है। बात समझ आ रही, सारा खेल किसका है, मोल का है, तो आपको मोल चाहिए, तो मोल निकालने के लिए ही इस क्वेश्चन में गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया है। तो सबसे पहले गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल और मोल के रिलेशन से आप पहले मोल निकालिए और मोल निकाल के फिर इसमें पुट अप कर दीजिए, गिवन मास आ जाएगा। बात समझ में आई, तो इससे सबसे पहले हम ये सेकेंड जो फॉर्मूला है वो यूज करेंगे, क्या फॉर्मूला है, मोल इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्वेश्चन में गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है, 3.011 × 10^23 डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर कितना है, 6.022 × 10^23, यहां से करोगे तो ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 1/2 आ जाएगा, 1/2 मतलब 0.5 ये अपना मोल आ गया। बात समझ में आई, मोल आ गया, इससे अब कुछ नहीं करना, गिवन मास निकालना, गिवन मास का और मोल का रिलेशन आपको अच्छे से पता है, तो यहां से हम फिर से यहां से फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, मोल इक्वल टू, तो मोल क्वेश्चन में आ ही गया आपको, 0.5 मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन यहां से क्या हो जाएगा, मोलर मास। अब नाइट्रोजन एटम है, तो नाइट्रोजन का जो मोलर एटम है तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास कितना आ जाएगा,
नाइट्रोजन का 14 होता है। तो यहाँ पे क्या लिख लोगे आप, 14 लिख लोगे। अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना, यहाँ पे मैथ आ गया आपका, और मैथ आपका अच्छा तो होना चाहिए। गिवन मास इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.5 × 14, और अच्छे से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से कितना आ गया 7 ग्राम। टेंसर कितना हो जाएगा 7 ग्राम। बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा आपको आपको क्या निकालना, उसके निकालने के लिए क्या क्या चाहिए बस वही सोचना है आपको, ठीक है। तो कुछ भी दे, चाहे ये दिया हो हमें ये पूछ ले, या फिर ये दिया हो ये पूछ ले, हम किसी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली पार्ट दिया है, सेकेंड पार्ट देखिए, सिमिलरली वैसा ही करना है। मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिया है, तो सबसे पहले ये नंबर ऑफ पार्टिकल दिया था, मोल निकाल लो। तो मोल आप जब निकालोगे, मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल 6.022 × 10⁻³। एवोगैड्रो नंबर भी इतना होता है, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, तो आंसर कितना आया, 1 मोल आया, ठीक है। अब 1 मोल और मास आपको निकालना है, गिवन मास निकालना है। तो मोल का जो सेकेंड फॉर्मूला है क्या था, गिवन मास अपॉन क्या था, मोलर मास। यहाँ पर क्या है, O2 है, तो O2 का मोलिकुलर मास कितना हो गया 32। यहाँ से क्या आ जाएगा, गिवन मास जो आएगा कितना आ जाएगा 32 ग्राम, ये आपका आंसर होगा। तो चलिए टाइप 3 में हमें एक फॉर्मूला हमें क्या था, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया था, मोल मास यहाँ से निकाल रहे थे। अब दूसरा इसी का जस्ट उल्टा कर देते हैं, हमें क्या दिया है, मास दिया है, अब गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन जस्ट अपोजिट हो जाएगा उसका। इसमें फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, को ध्यान से पढ़िए, अपने क्या कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब अपने क्या निकालना है, ये चीज निकालना है, और ये चीज निकालने के लिए अपने क्या चाहिए, बस मोल की जरूरत है, बाकी ये तो कांस्टेंट है। ये चीज निकालना है, मोल में एवोगैड्रो को मल्टीप्लाई कर दो, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट आपको क्वेश्चन में ये चीज नहीं दिया है, ठीक है, मोल आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो मोल निकालने के लिए यहाँ पर क्या दिया है क्वेश्चन में, ये मास दिया हुआ है। जब भी क्वेश्चन में मास दिया हो, इसका मतलब गिवन मास दिया है। तो सबसे पहले आप फर्स्ट फॉर्मूले का यूज करके मोल निकालोगे, और मोल निकालने के बाद इस फॉर्मूले में रख दो, सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया, 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम। तो सबसे पहले ये मास टू मोल रिलेशन, सबसे पहले आप इससे मोल निकालोगे। तो मैं डायरेक्ट निकाल दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाना, मोल इक्वल टू गिवन मास, गिवन मास कितना है यहाँ पे 46 ग्राम है, 46 / सोडियम एटम दिया है, और सोडियम एटम का एटॉमिक मास कितना होता है, 23 होता है। यहाँ से आंसर क्या आ गया, 2 मोल आपका आया। अब कुछ नहीं करना, अब सेकेंड फॉर्मूले में मोल का वैल्यू रख के और ये गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से मोल कितना आया, 2 = गिवन नंबर ऑफ सोडियम है, तो यहाँ पर पार्टिकल्स लिख दीजिए, या फिर सोडियम एटम लिख दीजिए, और इक्वल टू डिवाइड बाई क्या, एवोगैड्रो नंबर 6.022 × 10⁻², और मल्टीप्लाई करके यहाँ से आप आंसर लेके खुश हो जाइए। गिवन नंबर ऑफ सोडियम एटम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12.044 × 10⁻², ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। सेकेंड पार्ट है, क्या दिया है, वो भी सिमिलरली ऐसे कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया, 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम दिया, क्या है गिवन मास, आपको पूछ क्या रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ रहा है। सबसे पहले गिवन मास से आप मोल निकाल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से मोल आप जब निकालोगे, तो 56 ग्राम डिवाइड बाई क्या दिया है यहाँ पर, नाइट्रोजन एटम, और एक नाइट्रोजन एटम का एटॉमिक मास 14 होता है, डिवाइड करा है यहाँ से, 4 मोल आपका आ गया मोल। तो मोल आ गया, तो बस आपको क्या निकालना है, ये गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बस मोल में एवोगैड्रो का मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, गिवन नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम कितना आएगा, 4 × 12.022 × 10⁻², मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से कितना आ गया, 8 × 10⁻², इतने, मतलब 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम में कितने पार्टिकल्स होंगे नाइट्रोजन के, 48.088 × 10⁻², नाइट्रोजन एटम्स होंगे, ठीक है। आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि मोल कॉन्सेप्ट में और आपको प्रॉब्लम आने वाली होगी। तो मैंने जो बोला वही कॉन्सेप्ट लगाइए, आप सिर्फ 2 फॉर्मूले याद करिए, और क्वेश्चन में जब भी दिया हो तो आप पहले क्या चीज फाइंड करना है क्वेश्चन में, और क्या चीज अपने को निकालना है वो दिमाग में रहिए, ठीक है। वो रहेगा तभी तो आप डिसाइड कर पाओगे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। बात समझ में आ रही है, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। हालांकि मैं 9th लेवल से बता रहा हूँ, आप 11th में जाओगे तो मोल कॉन्सेप्ट पूरा डिटेल में है, ठीक है। यहाँ पर आपका मास टू और मॉलिक्यूल का रिलेशन है मोल से, ठीक है। बाकी आप 11th में जाओगे तो वहाँ पे वॉल्यूम का भी आ जाएगा, तो वो अपने को पढ़ना नहीं है। तो सिंपल सा एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ, आप ये भी ट्रिक भी जान लीजिए,
टीजी काम में आएगा, कभी कभी हो सकता है 9th से स्टैंडर्ड से ज्यादा थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किसी भी एटम या मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना आता है, तो वो किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है।